हे व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फिर आज आप लोग को सिखाएंगे 26 जनवरी पे पोस्टर आप लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। फिर देखिए आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। आज आप लोग को सिखा देंगे वीडियो में 26 जनवरी पे फोटो आप लोग पोस्टर कैसे बना सकते हैं फोटो का, ठीक है? फिर से आपको दिखाते, देखिए 1 2 3 मैं 3 बना के रखा हूँ। अगर आप लोग को कोई सा भी बनाना हो तो आज का वीडियो बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे ना तो आप लोग सोचेंगे भाई क्या वीडियो बनाया हुआ, एंड बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहले फिर आप लोग को ओपन कर लेना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, ठीक है? आज का वीडियो बहुत ही आसान है क्योंकि फिर आज आप लोग को सिखाएंगे 26 जनवरी पे पोस्टर आप लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी इजी स्टेप में। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा। तो सिंपली फिर ओपन करने बाद देखिए एडिट अ फोटो है सबसे फर्स्ट नंबर पे, सिंपली आप लोग को उस पर क्लिक कर लेना होगा। उस पर क्लिक करने बाद देखिए सर्च कैमरा बैकग्राउंड, तो सिंपली आप लोग को थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा, ठीक है, कलरफुल। तो सिंपली आप लोग को व्हाइट वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो जैसे कुछ इस तरीके से आप लोग का बैकग्राउंड बन जाएगा। इतना होने के बाद देखिए टूल्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, एंड टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली आप लोग को क्रॉप पे आ जाना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे आने के बाद देखिए यहाँ स्क्वायर है, पोर्ट्रेट है, स्टोरी है, पोस्ट कवर, तो सिंपली आप लोग को पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना होगा। देन पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग को डन कर देना है, ठीक है? डन करने के बाद सिंपली आप लोग को आ जाना है ऐड फोटो पे। मैं पहले से ही अपना फोटो इरेज करके रख चुका हूँ अपने पीछे का बैकग्राउंड। अगर आप लोग को इरेज करने नहीं आता है पीछे का बैकग्राउंड तो मैं अपने यूट्यूब चैनल बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आसान तरीके से आप लोग इरेज कर पाएंगे। तो सिंपली देखिए जो मैं फोटो इरेज करके रखा हूँ पीछे का बैकग्राउंड, उस फोटो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए कॉर्नर में ऐड वाला ऑप्शन है, सिंपली आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करने आता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, तो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा मैं वीडियो डाल के रख चुका हूँ, ठीक है? आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा, एंड इतना करने बाद सिंपली आप लोग इरेजर पे क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए आप जैसे लग रहा है कि मेरा अच्छे से हुआ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ कुछ इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि बैकग्राउंड में हम लोग का शरीर मिक्स हो जाए, ठीक है? जो भी शॉट होगा एक ही में मिक्स हो जाएगा ताकि हम लोग का पोस्टर अच्छा दिखे 26 जनवरी पे। तो इतना करने के बाद यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपली आप लोग को फिर से ऐड फोटो पे आ जाना है। ऐड फोटो पे आने के बाद सिंपली हमारे पास बैकग्राउंड है, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आप लोग बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिंपली देखिए फिर गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस सिंपली आप लोग उस PNG पे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है? आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है मेरे भाई? तो आप लोग को तो पता है बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने देश में मनाते हैं 26 जनवरी को, और बहुत ही धूमधाम से, ठीक है मेरे भाई? तो कुछ इस तरीके से अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को फिर से ऐड फोटो पे चले जाना है। ऐड फोटो पे चले जाने के बाद सिंपली देखिए इस वाले PNG को हम लोग क्लिक कर देंगे, और कॉर्नर में ऐड वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके हम लोग को ऐड कर लेना, ठीक है? और देखिए इधर करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड व्हाइट है तो हम लोग के फेस पे आ रहा है, तो आप लोग पहले अच्छे से इरेज कर लीजिएगा। देखिए कॉर्नर में ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अच्छे से इरेज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को सही वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग को अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है? ऊपर की तरह देखिए कितना अच्छे तरीके से हम जैसे एडजस्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग को भी एडजस्ट करना होगा। और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा फ्रेंड तभी आप लोग जान पाएंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे आप लोग पोस्टर कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ से सही कर देना है, डन कर देना है। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना। इतना होने के बाद सिंपली आप लोग को ऐड फोटो पे आ जाना है। ऐड फोटो पे आने के बाद देखिए फ्रेंड जो जो मैं PNG यूज कर रहा हूँ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आप लोग बता देंगे PNG को कहाँ से डाउनलोड करना है। इतना करने बस सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड फिर से हम लोग को ऐड करना है 26 जनवरी, ठीक है, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो सिंपली आप लोग को कॉर्नर में कुछ इस तरीके से ऐड करना है ताकि हम लोग का बैनर, सॉरी फ्रेंड पोस्टर अच्छा लगे, ठीक है मेरे भाई? सॉरी फ्रेंड पोस्टर है, बैनर नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग कॉर्नर में एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना करने बस सिंपली आप लोग को फिर से ऐड फोटो पे आ जाना है। ऐड फोटो पे आने बाद देखिए फ्रेंड एक हमारे पास पिजन का कबूतर का PNG है, ठीक है भाई? सिंपली आप लोग उसको भी ऐड कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, कलरफुल है, तिरंगे का कलर है, ठीक है मेरे भाई? तो इतना करने बाद कुछ इस तरीके से आप लोग अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। इतना हो गया ना, इतना होने बाद यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। तो फिर हम लोग पोस्टर बना चुके हैं 26 जनवरी पे। तो देखिए फिर आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अगर आप लोग को PNG डाउनलोड करना होगा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग डायरेक्टर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।